फेसबुक पर दोस्ती के बाद युवक अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर विवाहिता की इज्जत से खिलवाड़ करता रहा। पति और बच्चे होने पर भी विवाहिता युवक के बुलाने पर पहुंच जाती थी। इस दौरान नकदी जेवरात भी हड़पने का आरोप लगाया गया है। युवक के जेल से छूटने के बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर धोखा। फेसबुक पर बार बार रिक्वेस्ट आने पर विवाहिता ने एक्सेप्ट कर लिया। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद से युवक अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर विवाहिता की आबरू से खिलवाड़ करने लगा। पति और बच्चे होने पर भी विवाहिता युवक के बुलाने पर उसके पास पहुंच जाया करती थी। विवाहिता ने ब्लैकमेल कर नकदी जेवरात हड़पने का आरोप युवक पर लगाया था। इस मामले में रकाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब युवक की जेल से रिहाई होने के बाद मामला फास्ट्रैक कोर्ट में चल रहा है। एक महिला जिसके साथ टूंडला का रहने वाला मोहित शर्मा नाम का युवक ने उसे फेसबुक फ्रेंड में बार बार रिक्वेस्ट भेजने से उसको मजबूर किया। बाद में उसने फेसबुक फ्रेंडशिप स्वीकार करके उसके टच में आई। वो अक्सर ज़बरदस्ती फ़ोन पर बात करने लगा। धीरे धीरे महिला उसके संपर्क में आ गई और इस महिला का उसके निरंतर उसके द्वारा दुरुपयोग किया गया। उसके साथ तमाम गंभीरता से उसकी मॉलेस्टी डिस्टर्ब की गई और उसके साथ बलात्कार भी इसके द्वारा किया गया कई बार। क्योंकि उसने वीडियो क्लिप बना ली थी, वीडियो क्लिप बना बना कर वो इसको ब्लैकमेल करता रहा और सालों तक ये घटना होती रही इस महिला से है। तमाम बार उसने जेवर कभी व्यापार के नाम से, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी घर के जरूरत के नाम पे इससे पैसा भी ले लिया। इस महिला का बहुत शोषण किया गया। पैसे से, सोने से, जेवरों से तमाम चीज़ें उसने ले लेके इसको अंत में 3-4 साल झेलने के बाद फिर इसने साहस करके सारी घटना अपने पति वगैरह को बताई। फिर पुलिस थाना रकामगंज में ये मुकदमा कायम हुआ जिसमें 376, 377, 504, 506, 406 और 66 आईटी एक्ट, क्योंकि उसने वीडियो वगैरह क्लिपिंग्स भेजी, इधर उधर भेजी। रकाबगंज क्षेत्र की रहने वाली विवाहिता टूंडला में रहने वाले युवक की प्रेम जाल में फंस गई। युवक कारोबारी बताया गया है। पहले फेसबुक पर बातचीत होती थी लेकिन मामला प्यार तक पहुंच गया। युवक के बुलाने पर विवाहिता उससे मिलने पहुंच जाया करती थी। यह मामला 2016 का बताया गया है। युवक ने अलग अलग स्थानों पर बुलाकर विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान अश्लील वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में कैद कर लिए थे। अश्लील वीडियो और फोटो से ब्लैकमेल कर विवाहिता की इज्जत से खेलता रहा। आरोप नकदी जेवर ऐंठने का भी लगाया गया है। सहमति हम नहीं कह सकते, सहमति की बात, उसको जब ब्लैकमेल करके किया गया है सब उसके साथ, तो सहमति कैसे कह सकते हैं? हम तो वो बात कहेंगे जो रिकॉर्ड में है। रिकॉर्ड में ये है, उसको बेवकूफ़ बनाकर लालच देके, सड्यूसमेंट देके और धोखाधड़ी पूर्वक उसके साथ ये घटनाएं होती रही लगातार। वो इसलिए झेलती रही कि बदनामी हो जाएगी मेरी और बदनामी से मुझे, मैं कहीं की नहीं रहूँगी, तो महिला इस शोषण का शिकार होती रही है। इसको सहमति नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियों में इस तरह की सिचुएशन आ गई, परिस्थितियां इस तरह की हो गई कि वो अपनी इज्जत बचाने का प्रयास करती रही, बर्दाश्त करती रही सब चीज़ों को, और जब एक सीमा लांग गई, जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रिपोर्ट की। अब ट्रायल हो रहा है, FTC बहुत ही इंटेलिजेंट कोर्ट है कानून के रूप से, उनका इसका ट्रायल हो रहा है। 19 तारीख को इसमें गवाही होगी और बहुत ही महिला बड़ी बोल्डली गवाही देने को तैयार है। जो उसके साथ हुआ उसको कहने को तैयार है, बड़ी कॉन्फिडेंट है अपने मामले में वो, और हम लोग उसको न्याय जरूर दिलाएंगे। युवक की 2018 में शादी हो गई। इसके बाद भी उसने घिनौनी हरकत करना नहीं छोड़ा। विवाहिता चाहते हुए भी उससे मना नहीं कर पा रही थी। सब कुछ गंवाने के बाद महिला को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। इसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में विवाहिता की फास्ट ट्रैक कोर्ट में गवाही हुई। शेष गवाही 19 अक्टूबर को कोर्ट में होगी। विवाहिता की गवाही युवक की मुसीबतें और बढ़ा सकती है। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।